ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਕੂਟਰ ਕੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभी लिस्बॉन पुर्तगाल में। ये है सारा रेजिडेंशियल एरिया। इस जगह का नाम है ओदी विलास। ज़्यादातर यहां पर इंडियंस ही रहते हैं तो यहां पर आपको काफ़ी इंडियन ज़्यादातर पंजाबी लोग देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ इस सिटी को थोड़ा घुमाने के लिए। अगर मैं लिस्बन सिटी की बात करूं तो ये बिल्कुल अपने हिमाचल की तरह देखने को लगेगी क्योंकि ये एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई सिटी है। ऊंच नीच मतलब आप इस तरफ देखोगे वो घर, अगर मे भी आपको कैमरे में दिखाई दें, वो पहाड़ी के ऊपर बने हैं और ये भी पूरी रोड ऐसी है। यहाँ पर कुछ भी मतलब मैदानी नहीं है इस सिटी में, ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हुई है और अच्छी है सिटी और काफ़ी पुरानी भी है। ये आप देख सकते हो इमारतें काफ़ी पुरानी पुरानी, सॉरी ये काफ़ी पुरानी पुरानी इमारतें यहाँ पर, और इस तरह की आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी। ये देसी शॉप है हमारी, अपना देसी स्टोर, किसी इंडियन बंदे की शॉप है। जो ये एरिया है ओदी विलास, ज़्यादातर यहाँ पर पंजाबी और इंडियंस मतलब इंडियंस के ज़्यादा पंजाबी यहाँ पर लोग काफ़ी रहते हैं, काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं और उनकी यहाँ पर अपनी शॉप्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं और मोबाइल शॉप्स काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पर आकर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हैं। मुझे तो अभी तक ये पंजाब जैसे ही लगता है वैसे। हाँ, एरिया मतलब ऐसे ही हिमाचल की तरह है लेकिन रहना सहना यहाँ भी बिल्कुल पंजाब की तरह ही है। इतना मतलब आउट फील नहीं हो रहा अभी कि किसी फॉरेन कंट्री में आ रखे हैं। ये वैसे मुझे देखने में यूरोप लग भी नहीं रहा, आपको भी देख ही रहे होंगे वीडियो में। लेकिन आज जो दूसरी तरफ है, जो क्या कहते हैं उसे, जो समुंदर की तरफ एरिया है, अभी मैं फ़िलहाल वहाँ पर गया नहीं हूँ, लेके चलूँगा मैं किसी दिन वहाँ पर भी आपको, वो काफ़ी अच्छा एरिया है। तो फिर किसी दिन जाएंगे वहाँ पर भी मैं आपको घुमाऊँगा। वैसे जो पुर्तगाल है ये फेमस है पेपर वर्क के लिए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर पेपर बनाने आते हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब करते हैं। तो आपके मन में भी ये बहुत सारे सवाल होंगे, मेरे मन में भी थे, हालांकि अभी तक भी हैं। मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि पेपर कैसे बनाने, कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पर काम कैसा है, कौन कौन से काम मिलेंगे, क्या सैलरी है, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। ये सारी बातें अभी भी आपके और मेरे मन में हैं। मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर जान रहा हूँ और आपके साथ भी ऐसे ही मैं शेयर करता रहूँगा, ताकि अगर कभी भी आपको पुर्तगाल आने का मौका मिले तो आप किसी के झांसे में ना आए और अपने पैसे वेस्ट ना करें। तो बस मेरी तरह आप भी थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ आपको क्लियर करता जाऊंगा। अभी बस आप एंजॉय करो इस सिटी का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा मुझे लगता है इंडियन पाकिस्तानी नेपालियों का है। यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट आप देखोगे ये नेपाली इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशों के रेस्टोरेंट हैं। और ये भाई लाइफस्टाइल है यहाँ का, बाहर कपड़े सूखने को डाल रखे हैं और ऐसे घर हैं यहाँ पर। ये लिस्बन मेन सिटी है। सासी आंटी जी, हो ठीक हो? ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋ ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਖਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो भाई पंजाबी आंटी मिली थी यहाँ पर, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि पंजाबी फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मतलब काम नहीं करते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहते होंगे। और इस तरफ है ये ट्रैम, ये बस है, ये
पता नहीं जाम क्यों लगा हुआ है यहाँ पर भाई। यहाँ पर यह है कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी महंगी है अगर हम इंडिया के मुकाबले बात करें, लेकिन जो बंदे यहाँ पर जॉब करते हैं काम करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं है। बट अगर हम इंडिया से आकर यहाँ पर अपने पैसों के सही यूरो खर्च करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है। एक टिकट आपको 2 यूरो में लगेगी परचेज करने की, सेम बस और मेट्रो। आप देख रहे होंगे, आपने हमारे भी वहाँ पर देखा होगा एम्बुलेंस का, अगर कोई एम्बुलेंस और जाती है तो वो ये रास्ता नहीं देता। बट यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है तो सभी ने गाड़ियाँ साइड पर लगा दी, हालांकि अभी भी उसे निकलने नहीं दिया। मे भी कोई जो पेशेंट है वो नहीं होगा, नहीं तो ये गाड़ियाँ सभी साइड पर या फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस जाएगी आगे। मे भी कोई कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, वहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी है तो वो सभी को रोक रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जाम लगा हुआ है। ये आगे चल रही है, मे बी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, आगे पुलिस भी खड़ी है। पता नहीं वीडियो बनाना चाहिए नहीं, नहीं तो कोई भाई रोक टोक भी सकता है ऐसे। आगे चल के दिखाता हूँ कुछ हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये एक्सीडेंट ही हुआ है, एक स्कूटर के साथ गाड़ी की टक्कर हुई है। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी के साथ स्कूटर की टक्कर हुई है, तो इस वजह से सभी मतलब जाम लगा रखा है इन्होंने। पहले वो चेक करेंगे कि किसकी गलती है फिर आगे जाने के। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पीछे इतनी सारी लाइन लग गई है व्हीकल की उनको तो जाना चाहिए। खैर ये यूरोप है भाई। वो आप देख रहे होंगे हमने पंजाबी भाई घूम रहे हैं यहाँ पर, बहुत हैं यहाँ पर पंजाबी लोग, हालांकि मैं भी पंजाबी हूँ। और अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं, तो मैं चलता हूँ अभी घर पर। तो एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको पुर्तगाल के बारे में बताऊँगा, यहाँ पर कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कैसे लोग यहाँ पर आकर पेपर वगैरह बनाते हैं। तो मैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा, क्योंकि मैं अभी एक बंदे के पास गया था, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने ली। तो वीडियो तो मैं नहीं बना सकता था क्योंकि वो गलत बात है यार ऐसे किसी के काम की वीडियो बनाना, लेकिन उन्होंने जो भी बातें मुझे बताई वो सब जेन्युइन लगी मुझे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन किसी पर ऐसे यकीन नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब आपको ये सारा प्रोसेस वगैरह बताऊँगा। तो आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो उतना ही मेरे में अंदर से हौसला आएगा कि मैं आपको और नई नई वीडियोज़ बनाता और दिखाता जाऊँ। और इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है जो वो सबसे पहले मिलता रहे। Fuck her in the best.